नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के करंट अफेयर्स में, जिसमें 15 मिनट में 15 सवाल आप लोग मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या बना है। जल जीवन मिशन शहरी के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट जल सर्वेक्षण को शहरी और आवास मंत्रालय द्वारा कितने शहरों में लॉन्च किया गया है? द राइट आंसर इज, मेरे प्यारे साथियों, 10 शहरों के अंदर एज ए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जल जीवन मिशन अर्बन के तहत। ठीक है ना, ये 10 शहर कौन कौन से हैं? तो ये हैं पटियाला, रोहतक, चूरू, आगरा, सूरत, बदलापुर, भुवनेश्वर, टुमकुम, कोची एंड मदुरई। यहां पर मेरे प्यारे साथियों वाटर स्कार्सिटी या वाटर की बहुतायत, इसके बारे में जांच किया जाएगा। जल जीवन मिशन अमृत मिशन, जल जीवन मिशन जो है वो अर्बन मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है, 10 जिलों में लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे द्वारा अन अकेडमी पर जो आपके लिए पेड कोर्सेज लिए जा रहे हैं, उसके लिए आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड अंकित 10 यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए मेरे द्वारा कोर्सेज में हाल ही में एक नया बैच शुरू किया गया है, स्टैटिक जीके का। ये फाउंडेशन बैच है और इस फाउंडेशन बैच में मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जिसमें जो ज्योग्राफी है इसमें मेरे प्यारे साथियों अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू किया है, बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑन एन एवरेज 2 महीने तक चल सकता है, डेढ़ महीने से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, इसके बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी आएगा। यानी कि ये कुल सिलेबस जो है वो लगभग 8 से 9 महीने का है। तो आप इसे ज्वाइन करके यदि आप सोचते हैं कि आप एसएससी से संबंधित एग्जाम, डिफेंस या फिर स्टेट पीसीएस, रेलवे एग्जाम, जिनमें कि स्टैटिक जीके में ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, आप अगर करना चाहें तो इस बैच को करें, बहुत ही लाभप्रद बैच ये सिद्ध होगा, ऐसा हमारा मानना है। साथियों, निम्नलिखित में से किसने भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में अमेजन ने हाल ही में निर्णय लिया है कि वो भारत में ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण करेगी। ये तथ्य आप लोगों को अतिरिक्त रूप से मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ ही मेरे प्यारे साथियों, अमेजन ने ये अपने आप में जो निर्णय लिया है, ये भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेजन इंडिया के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वो फायर टीवी स्टिक्स जो हैं उन्हें इंडिया में ही निर्मित करेगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अमेजन इंडिया और ये इंडिया के अंदर जो अमेजन की ब्रांच है वो है। आगे बढ़ते हैं, आरबीआई ने हाल ही में शहरी सरकारी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए समिति का गठन किया। यह समिति निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में होगी? आरबीआई ने जो शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए जो गठन किया है, यह समिति बनाई गई है मेरे प्यारे साथियों, एक मतलब कमेटी डेवलप की गई है एन एस विश्वनाथन के अधीन इस समिति को निर्मित किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट किया है, ये एक्सपर्ट पैनल है जो कि ये कार्य करेगा। 8 सदस्य पैनल होगा जो ये देखेगा कि किस प्रकार से जो आरबीआई है, मतलब जो बैंकें हैं, कमर्शियल बैंक जो हैं, वो इफेक्टिव कार्य कर रही हैं फास्टर रिहेबिलिटेशन के लिए और अर्बन के लिए। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर भारत के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है? मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में कोचीन पोर्ट पर, जो कि केरला में है, यहां पर सागरिका का उद्घाटन किया गया है 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के तहत। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हाल ही में यह कार्य किया गया है, सागरिका एट कोचीन पोर्ट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल वैदिक स्कूल किस नदी के किनारे बनाया जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेशनल वैदिक स्कूल बनाया जाना तय हुआ है भागीरथी नदी के किनारे पर। भागीरथी नदी के किनारे पर इंटरनेशनल वैदिक स्कूल बनाने की बात की है उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। इनका कहना है कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल यहां पर स्थापित करेंगे, जहां पर जो भाषा होगी वो संस्कृत के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भी होगी, जो वेदों के बारे में यहां पर मतलब लोगों को जानकारी देगी। यहां पर लॉन्चिंग के अंतर यह कहा गया है कि टेहरी लेक फेस्टिवल का आयोजन किया गया वसंत पंचमी के अवसर पर। टेहरी लेक फेस्टिवल 16 से 17 फरवरी तक चला। एशिया की बिगेस्ट लेक फेस्टिवल के अंदर टेहरी लेक फेस्टिवल को कंसीडर किया जाता है। बात की जाए भागीरथ नदी की, तो ये उत्तरकाशी जिले और उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। टिहरी जिला उत्तराखंड के टिहरी के पास भागीरथ नदी पर एक कृत्रिम बांध का निर्माण है। निम्नलिखित में से किस देश ने एंटी रेडिकलिज्म बिल को मंजूरी दी है? तो हाल ही में मेरे प्यारे साथियों, फ्रांस के द्वारा, फ्रांस ने एंटी रेडिकलिज्म बिल के ऊपर मतलब जो पास किया है उसके ऊपर वर्तमान में मुस्लिमों को उसकी वजह से काफी चिंता हुई है, ऐसा द हिंदू ने भी कवर किया है। आज अपन 7 बजे वाले सेशन में इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस बिल के अंदर ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जो सरकार है वो मस्जिदों की निगरानी करेगी, रिलीजियस स्कूल की निगरानी करेगी और साथ में
जो बहुविवाह है, बहुपत्नी की प्रथा है, उसका भी मेरे प्यारे साथियों, और जो फोर्स्ड मैरिज है उसके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी, ऐसे इसके अंदर प्रावधान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रांस के साथ साथ कुछ बेसिक जानकारी जान लीजिए कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, करेंसी यहाँ की सीएफए फ्रैंक है, एमानुअल मैक्रॉन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का तीसरा संस्करण किस मंत्री द्वारा जारी किया गया था? मेरे प्यारे साथियों, इंडियन साइन लैंग्वेज का तीसरा संस्करण हाल ही में, मतलब जिसमें 10,000 से ज़्यादा टर्म है, वो थावरचंद गहलोत जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। साइन लैंग्वेज डिक्शनरी ये इसका थर्ड लैंग्वेज है, और साइन लैंग्वेज वो है जो दिव्यांगजनों के लिए काम में भी आती है, ठीक है ना। इंडियन साइन लैंग्वेज जिसके अंदर 10,000 टर्म जो हैं वो नए ऐड किए गए हैं। ये इंडियन साइन लैंग्वेज जो है ये पहली बार 2019 में लॉन्च की गई थी। नंबर नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा देश ईरान और रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हुआ, जो 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में है? मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में भारत जो है वो ईरान और रूस की जो इंडिया ईरान रशिया मैरिटाइम सिक्योरिटी बेल्ट है उसके अंदर शामिल हुआ है, 2 डे मैरिटाइम एक्सरसाइज के अंदर शामिल हुआ है। नंबर नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, ये कहाँ पर हो रही है? तो ये इंडियन ओशन में हो रही है, और जल्दी ही यहाँ पर चाइना के नौसैनिक विमान भी इस एक्सचेंज में शामिल होने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 6500 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, मतलब 6500 स्क्वायर माइल्स के अंदर आयोजित की जाने वाली परियोजना है। ईरान रशिया मैरिटाइम सिक्योरिटी बेल्ट है, ये एक फ्लेक्सिबल कार्यक्रम है जिसमें कि मतलब देशों को आमंत्रित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी। यह स्मारक किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, यह उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल, जिसके ऊपर मेरे प्यारे साथियों हाल ही में कहां पर काम किया गया है, चितौरा लेक के पास में कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्चुअली इस कार्य का उद्घाटन किया गया था, ठीक है ना। ये तथ्य आप याद रख सकते हैं। सुहेलदेव जी के ऊपर हमने जो अपना यूट्यूब चैनल है यूपीएससी, वहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट किया है, आप उन्हें देख सकते हैं, है ना। ये यहाँ पर मैंने पूरा बताया है कि कौन थे महाराज सुहेलदेव। ये श्रावस्ती के राजा हुआ करते थे, और इन्होंने गजनवी के जो मतलब सालार गजनवी था, सालार मसूद जो कि गजनवी का भांजा था, उसको हराया था। ये श्रावस्ती के राजा हुआ करते थे, और श्रावस्ती के राजा हुआ करते थे, और श्रावस्ती के पास में ही बहराइच स्थित है, वहां पर युद्ध हुआ था 1034 में, तब इन्होंने उन्हें हराया था। यहाँ पर स्थित है, मतलब लगभग इस जगह पर स्थित है ये, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाल ही में रामनाथपुरम का उद्घाटन किया गया। थुतुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में रामनाथपुरम थुतुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन किस राज्य में है? तो अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये मेरे प्यारे साथियों तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के अंदर ये गैस पाइपलाइन स्थित है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका फाउंडेशन रखा गया तमिलनाडु के अंदर, ठीक है ना। रामनाथपुरम थुतीकोड़ी सेक्शन है ये, एन्नोर तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु पुडुचेरी नागापत्तिनम और मदुरई को आपस में जोड़ने वाली है, ठीक है ना। इसके साथ साथ ही मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री ने मनाली स्थित जो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसकी गैसोलीन सल्फर फ्री इकाई को भी हाल ही में देश को मतलब डेडिकेट किया है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के अंदर मैं आपको बता दूं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 234 सीटें हैं जिनके लिए चुनाव होने वाले हैं। तमिलनाडु भारत का दक्षिणी राज्य है, और तमिलनाडु के बॉर्डर आंध्र प्रदेश कर्नाटका केरला के साथ में साझा होते हैं। पहला फागुन वसंत त्योहार किस देश में मनाया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, पहला फागुन वसंत त्योहार जो है वो बांग्लादेश में मनाया गया है, बांग्लादेश के अंदर। पहला ये स्प्रिंग फेस्टिवल है, बांग्लादेश के अंदर मनाया गया, ये बांग्लादेश में 15 फरवरी को मनाया गया है, ठीक है ना। तो इसको आप याद कर सकते हैं, जातीय बसंत उत्सव है जिसको कि यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और मुद्रा टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, और महाद्वीप एशिया में ये स्थित है। बांग्लादेश पूरी तरफ से सीमाएं भारत से ही साझा करता है, लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा म्यांमार के साथ भी बॉर्डर साझा करता है। हाल ही में मानवाधिकार परिषद में सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में मानवाधिकार समिति के अंदर जो पहले सलाहकार बने हैं ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर, वो अजय मल्होत्रा, ठीक है ना, ये चेयरमैन बने हैं। अजय मल्होत्रा फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड इन चेयर पर्सन एडवाइजरी कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है। मल्होत्रा ने इससे पहले एज ए एम्बेसडर रशिया में, कुवैत में यहां पर कार्य किया हुआ है।
ह्यूमन राइट काउंसिल की अगर हम बात करें तो ये कहां पर स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। इसके अंदर वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? नजहत शामीन है। असम के सीएम ने पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस जिले में रखी है? मेरे प्यारे साथियों, इनके द्वारा हाल ही में पहला जो मतलब इसकी स्किल यूनिवर्सिटी है उसकी दारांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर नींव रखी गई है। दारांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर असम चीफ मिनिस्टर के द्वारा यह कार्य किया गया है, जिसमें कि 10,000 स्टूडेंट 12 डिसिप्लिन में एजुकेशन प्राप्त करेंगे। 1,000 करोड़ रुपए का इसका लगभग खर्च आएगा और ये स्किल यूनिवर्सिटी 2024-26 तक बनकर के तैयार हो जाएगी। यहाँ पर बच्चों के लिए जो एजुकेशन प्राप्त होगी वो जर्मनी, ताइवान, साउथ कोरिया, इसराइल, जापान और इंग्लैंड से दिलवाई जाएगी। हाल ही में मंगगड़े राम जोस का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? मांडगड़े रामा जॉइस, इनका निधन हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये फॉर्मर गवर्नर जस्टिस थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। बेंगलुरु से ये संबंध रखते थे। चीफ जस्टिस रह चुके थे पंजाब और हरियाणा के। ये एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हुआ। ठीक है, ये तथ्य आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। KKFI की 2021 खो खो सुपर लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती? मेरे प्यारे साथियों, KKFI जो सुपर लीग ट्रॉफी है वो पहाड़ी बिल्लास के द्वारा जीती गई है। ये तथ्य आप याद रख सकते हैं। ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर पहाड़ी बिल्लास, ठीक है ना, तो पहाड़ी बिल्लास के द्वारा ये जीती गई है। चलिए साथियों, इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ में जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो मेरे पेड कोर्सेज जारी हैं। स्पेशल क्लासेस तो चली रही हैं सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे। इसके अलावा आपके पेड कोर्सेज में अनअकैडमी पर वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है जो कि लाइव क्लास है। साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और डाउट डिस्कशन सेशन वहाँ पर रेगुलर होता है। मेरे अलावा जितने भी अन्य एडुकेटर्स हैं उनकी भी क्लास आपको यहाँ पर मिलती है और पूरा तरह से मतलब परीक्षा ओरिएंटेड कार्यक्रम होता है। सारी PDF मिलती हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज मिलती है, ई नोट्स मिलते हैं, सब चीज़ें आपको यहाँ पर एक तरह से प्राप्त होती हैं। टीचर के साथ आप लाइव बैठ के पढ़ते हैं और उस वीडियो को आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करके कहाँ से करें? गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पर अपने मोबाइल से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में गोल में SSC एग्जाम गोल सेलेक्ट कर लें। SSC एग्जाम गोल सेलेक्ट करने के बाद में कम से कम 12 महीने का सब्सक्रिप्शन परचेज करें। रीज़न क्यों है? क्योंकि मेरा जो कोर्स है वो 8 से 9 महीने तक एवरेज चलने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे कोर्स की फीस जो है वो 6500 रुपये है। अगर आप मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज़ करते हैं तो ये आपको 5850 रुपये के अंदर पड़ता है। अगर आप स्पेशल क्लासेस भी देखते हैं तो एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको और मिल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये कोर्स आप अपने लिए हर परीक्षा जिसमें कि स्टैटिक GK के अंदर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पूछा जाता है, हिस्ट्री पूछा जाता है, उसमें आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगी। तो आज ही ये सब्सक्रिप्शन ले लें और साथ में जितने भी मैथ्स, रीजनिंग वगैरह की क्लासेस हैं उनको इसके साथ एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री पाएं। थैंक यू सो मच।